स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं गांव कपूरी कला में और यहां पर पंजाब नेशनल बैंक के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यमुनानगर द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मशरूम जो कि एक खेती होती है, एक व्यवसाय होता है और कहा जाता है कि मशरूम की खेती जिसके पास है तो वो संपन्न किसान माना जाता है। तो इलाके के किसान संपन्न हों, जो बेरोजगार हैं वो भी ये खेती करके जो है रोजगार को प्राप्त करें और धन धान्य के भंडार उन्हें भरें, ऐसी योजना के साथ पंजाब नेशनल बैंक इस गांव में आया है। और अपने कोऑर्डिनेटर जो इसके इंचार्ज हैं मैडम मोनिका कंबोज, जिनसे आप पहले ही परिचित हैं, समय समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम लगाते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं लगभग 35 की संख्या में आसपास के युवतियां, महिलाएं और हमारे युवा भाई यहाँ पर आए हुए हैं और ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इन सब से हम ज्यादातर से बात करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार के भाव लेकर ये लोग यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर जैसे मुझे बताया गया, एक प्रशिक्षिका भी है, गीता मैडम है उधर रादौर एरिया से, वो भी यहाँ पर बतौर प्रशिक्षक यहाँ पर नियुक्त है कि किस प्रकार से मशरूम की फसल को तैयार किया जाता है, कैसे उसका रखरखाव किया जाता है और क्या कुछ किस प्रकार से कहाँ पर बेचा जाएगा, कैसे उसकी संभाल की, ये सब जानकारी यहाँ पर दी जाए। यानी बहुत ही बढ़िया जानकारी यहाँ पर दी जाती है। चलो ये तो मेरे मुखारविंद से हो गया, हम बात करेंगे मोनिका कंबोज जी से। मोनिका जी एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जानकारी चाहेंगे इस प्रशिक्षण के बारे में, जानकारी दीजिए जी। सर नमस्कार, मेरा नाम मोनिका कंबोज, पंजाब नेशनल बैंक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एज ए कोऑर्डिनेटर। आज हमने यहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन का बैच लाया है विलेज कपूरी कला में। यहाँ पे 10 से 11 विलेज के अलग अलग गांव से लड़के और लड़की आई हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं भी हैं जो मशरूम की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग लेके सर ये अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकेंगे और इसमें 2-3 कैंडिडेट ऐसे हैं, बॉयज हैं, जिन्होंने अपना मशरूम का काम शुरू भी कर लिया है अपने गांव में, वहां पे बैग लगा लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये अपना काम करेंगे, बाकी महिलाएं भी अभी इनको इतना नॉलेज हो गया है, ये अपना बैग लगाएंगे अभी मशरूम का और काम शुरू करेंगे। इसके बाद इनको अगर पैसा चाहिए हुआ बैंक से तो हम इनकी फाइल बना के हॉर्टिकल्चर ऑफिस भेजेंगे। हॉर्टिकल्चर ऑफिस में इनका क्या फ़ायदा रहेगा सर कि अगर ये 10,000 रुपये लगाते हैं अपने से मशरूम काम के लिए तो गवर्नमेंट इनको सब्सिडी तौर पे इनको 80-90% इनको वापस कर देती है, 8-9 हज़ार के करीब इनका वापस हो जाता है सर, ये बेनिफिट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी जानकारी दी मोनिका जी ने, विस्तार पूर्वक जानकारी दी। तो ये तो उनके कोऑर्डिनेटर हैं, जानकारी रहती है। तो चलिए कुछ युवाओं से बात करते हैं, हमारे साथ सुमित जी, सुमित सैनी साहब जानकारी देंगे किस प्रकार से ये प्रशिक्षण, क्या प्रशिक्षण आप ले रहे हैं जी। नमस्कार सर, मैं गाँव सिंहपुरा से हूँ। सर गीता मैम हमारी ट्रेनर जो, और मोनिका मैम जी हमारे हो। सर ट्रेनिंग के दौरान जो मैं मशरूम की ट्रेनिंग ले रहा हूँ सर, मैंने इसके दौरान अपना काम भी स्टार्ट कर लिया है। अच्छा, हाँ जी, साथ ही साथ पहले से ट्रेनिंग थी क्या आपकी? क्या नहीं सर, ट्रेनिंग के दौरान नहीं किया, मैम ने बताया ना जो गीता। बहुत बढ़िया, बहुत जी उनके को, यानी इसी को आप रोजगार बनाने वाले हैं। हाँ जी, तो ये थे सुमित जो बता रहे हैं कि काम भी इन्होंने शुरू कर लिया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो सुखजीत जी, क्या कुछ किस भाव के साथ आप यहाँ पर आए, आपको पता था कि इस प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ दी जाएगी? नमस्कार सर, मेरा नाम सुखजीत है, मैं छछरौली का निवासी हूँ जी। हाँ जी, मुझे यहाँ से पता चला था कि यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, मैं काफ़ी दिनों से पड़ताल में था कि मुझे कहीं से ट्रेनर मिले, तो हमारी पूजा मैम ने हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी है। आज हमारा 7वां दिन है और 3 दिन अभी बाकी हैं यहाँ पर हमारे, उसके बाद हमारा पेपर होगा जो यमुनानगर में होगा और हम पेपर दे के हमको एक सर्टिफिकेट हासिल होगा जिसके अकॉर्डिंग हम लोन प्राप्त कर सकेंगे और उस लोन के द्वारा हम अधिक से अधिक अपना काम को बढ़ावा दे सकेंगे। और हम दोनों ने, ये मेरे दोस्त साथी मेरे साथ अच्छा, मिलकर काम उन्होंने पार्टनरशिप में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर लिया। चलिए जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आपका काम फले फूले। चलिए आगे बढ़ेंगे, और कौन जानकारी जी? क्या नाम सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार जी। तो अब देखो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, थोड़ा सा पवन जी इधर आ जाओ। हाँ, ये बात तो मैं जानना चाहूंगा, लेडीज ट्रेनर हैं अभी गीता मैडम जी हैं, तो आपको सिखा रहे हैं तो अच्छा सिखा रहे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, तो काफी कुछ सीख गए, काफी सीखने के लिए। नहीं, इस प्रशिक्षण से पहले बिल्कुल जीरो पर पड़े थे आप? अंजी, अंजी। कोई जानकारी नहीं थी? कोई जानकारी नहीं। अब कह सकते हैं अपने आप ही आप उगा लेंगे, बना लेंगे? अंजी सर। चलिए, यानी रोजगार पे खड़े हो जाएंगे? ठीक है, तो अच्छा लग रहा है मतलब आपको? बहुत अच्छा जी। सुखजीत जी बता रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, और कौन जानकारी देना चाहेंगे? सरदार जी आप आइए।
उधर से थोड़ा लाइट का समस्या आ रही है जी, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? क्या नाम आपका? साहब सिंह जी। साहब सिंह जी बताइए। हाँ जी, इस पे मशरूम की ट्रेनिंग लेके हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं जी, अपना रोजगार कर सकते हैं जी। तो विश्वास हो गया कि आप बेरोजगार नहीं रहेंगे? हाँ जी, पूरा विश्वास। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब नौकरियों का तो बड़ा अभाव है। और कोई विशेष बात कोई कहना चाहे जी? आपका नाम नूर हसन जी। वाह बहुत बढ़िया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप? अपना काम शुरू करेंगे जी, जी से बहुत अच्छी नॉलेज मिली है जी, 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 काम कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, नूर हसन जी बता रहे अपना काम। चलिए अब बढ़ते हैं लेडीज डिपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि गीता मैडम भी लेडीज, ऊपर से मोनिका जी भी लेडीज। गीता जी से बात करेंगे। हमारे साथ है काजल। काजल जी, अब आपको ये तो आदमियों का काम है मशरूम की खेती, तो लेडीज कैसे बीच में आगे बताइए जी। मेरा नाम काजल है, मैं कुपुरी कला से रहने वाली हूँ जी। ये कोई जरूरी बात नहीं है, किसी जेंट्स भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारी गीता मैम ने हमें बताया कि खुम्बी का हमें कम लागत में कितना फायदा हो सकता है, तो हम लेडीज महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, हम इसे अपने घर में ही स्वयं रोजगार बनाकर, जैसे हमारी मोनिका मैम ने बताया जी। तो गीता मैम ने हमें ये सब समझाया, खुम्बी कैसे लगाई जाती है और इसके सब उदाहरण भी समझाए कि इसमें लागत भी है फायदा भी बहुत है। और जैसे कि हम मोनिका मैम काम कर रहे हैं, ये भी उदाहरण के लिए लेडीज हैं कि हम भी ऐसे काम करके कुछ बनना चाहेंगे। यानी अपने पैरों पर आप भी खड़ा होना चाहते थे? हाँ जी। बहुत बढ़िया, चलो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं जी। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, मेरा नाम कविता है सर, मैं कपूरी कला से हूँ सर। हमारे यहाँ जो ये मशरूम का बैच चला है, ये मैंने लगवाया, मैं बीएफ हूँ सर यहाँ विलेज कपूरी कला से। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरे अंडर सर 150 महिलाएं काम कर रही है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो महिलाओं की ये समस्या थी कि हमारे यहाँ के युवा या जो भी जेंट्स लोग हैं, वो महिलाओं को गांव से बाहर नहीं भेजना चाहते जी, जी, तो जी। मैंने सोचा कि मैं अपने गांव में कोई ऐसा रोजगार लेके आऊं जिससे महिलाएं सक्षम हो सकें, अपने आप में काम करने के योग्य बन सके। तो हमने मैम से बात की कि हम मशरूम की ट्रेनिंग, मशरूम के साथ साथ हमें यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट भी मिल रहा है सर, इसके द्वारा हम कैसे हम घर से बाहर निकल के कोई अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपका सपना पूरा हो गया जी। और इसके साथ साथ मैं अपने गांव की महिलाओं को सर रोजगार दिलाना चाहती थी, इसके जरिए वो अपने खुद के पैसे कमा सकती हैं और खुद अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकती है। धन्यवाद सर। धन्यवाद तो आपका जी। चलिए अब चलते हैं थोड़ा आगे। हाँ तो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नाम है आपका? है जी, नीनू। बोलिए जरा जी सर। जैसे थोड़ा ऊंचा, थोड़ा ऊंचा जी, कोई बात नहीं, बोलो बोलो। जैसे कि सर बताया गया कि गांव को पूरी कला में यहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन का ग्रुप लगा है सर, तो इसके लिए जैसे सभी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं जी। तो जी जी, गीता मैम ने बहुत ही अच्छी ट्रेन लगाया है जो हमें बहुत अच्छी तरह से ट्रेन कर रहे हैं सर जी। यानी काफी कुछ सीख गए हैं आप। हाँ जी, हम काम आएगा आपका सीखा हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, चलो बोलना भी सीखना चाहिए, हिचक भी निकालनी चाहिए। हाँ जी, और कौन बताएगा जी? मेरा नाम निशा है। पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी गांव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गीता मैम ने हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है और हमें अपने पैरों पे खड़े होने की उम्मीद बनाई है सर, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई विशेष बात कहना चाहे जी? आप बोलिए जी। मेरा नाम पिंकी है जी। जी, और सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि जेंट्स तो करते ही हैं जी, तो हम महिलाएं भी तो कुछ करके दिखाएं। बहुत बढ़िया बात कही आपने, यानी महिलाएं भी पुरुषों से कम तो नहीं है। चलिए तो ये थी कुछ बातें जो बताई गई और कॉन्फिडेंस के साथ हमारे ये साथी बता रहे हैं। चलिए अब हमारे साथ में एक और मोनिका जी चाहते हैं। क्या नाम आपका? पूनम जी। पूनम जी बोलिए। मैं गांव अजीजपुर से आती हूँ जी। जी जी, मुझे पता चला है यहाँ की मशरूम की ट्रेनिंग लग रही है, इसलिए मैं वहाँ से पैदल चल के आती हूँ यहाँ। अच्छा, मैं मोनिका मैम का बहुत धन्यवाद करती हूँ, गीता मैम का बहुत धन्यवाद। वाह जी वाह। चलिए एक ही बुलंद आवाज, बड़ा उत्साह, चेहरे पर भी उत्साह लग रहा है, देख सकते हैं आप। अपने रोजगार को जैसे कुछ ने बताया भी, रोजगार पर खड़े होना चाहते थे, जो भाव हमारे पुरुष भाइयों युवाओं के हैं उसी का अनुसरण करते हुए हमारी ये लेडीज युवतियां घरों की चार द्वारी से बाहर निकाल कर अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। तो इस बारे में तो क्या मोनिका जी कुछ कहना चाहेंगे आप जी? सर हमारे पीछे मशरूम की ट्रेनिंग शुरू हुई थी कपाल मोचन में जी। तो वहाँ से एक ट्रेनिंग सक्सेस एंटरप्रेन्योर है हमारे बीच आए हैं आदेश जी, उन्होंने अपना मशरूम का काम शुरू कर लिया है और हॉर्टिकल्चर से उनकी फाइल भी लगवाई है, उनको पैसा कवर भी हो गया। बहुत बढ़िया, तो हमने इनको उसको देख के प्रेरणा मिले सभी कैंडिडेट्स को। तो आदेश जी हमारे बीच में है, आप उनसे बात आ जाओ। आदेश आइए। आदेश जी, आदेश जी से आप बात कर सकते हैं कैसे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है। चलिए आप प्रत्यक्ष को जैसे मैंने बताया प्रमाण की जरूरत नहीं। आदेश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे?
सर मैंने पालमोचन गुजर दम था, मेरा नाम आदेश कुमार है, मारो कला करने वाला हूँ। जी जी जी। अच्छा जी, गुजर दम था मैंने ट्रेनिंग ली किता मैडम परवीन सर आर्य मोनिका कंबोज इनने वहाँ से ट्रेनिंग लेकर हमने काम शुरू किया है जी, और इससे फायदा भी होया जी, हमारी सब्सिडी सब। अब कितना कितने स्तर पे काम होगा, कितनी इनकम शुरू होगी आपकी, क्या कुछ कहेंगे? हाँ मेरी 40,000 रुपये काट दी। अच्छा जी, निकाल दिए। हाँ जी, वेरी गुड, ताड़ी बजा देनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, पूछिए। माह में 40,000 रुपये, एक बहुत बढ़िया। दिसंबर में 3 तारीख तक थोड़ी शुरू करी थी। अच्छा जी, दिसंबर दिसंबर माह में। हाँ जी, यानी एक महीने लगा सकते हैं, एक महीने की बात करते हैं, 40,000 बना लिए। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से सभी लोग इसी साहस के साथ मेहनत के साथ जुड़ेंगे तो जरूर होगा। चलिए तब बात करते हैं गीता मैडम जी से, जो इनकी प्रशिक्षिका हैं। तो मैडम जी, किस प्रकार का ये प्रशिक्षण रहता है और कितना उत्साह ये बच्चे, मतलब आपके तो खैर वो शिष्य ही हैं सारे के सारे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं कहना चाहूंगी कि मुझे भी अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे कोई काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं जी, और ये अपना खुद का रोजगार करके हमारा भी नाम ऊंचा करते हैं जी जी जी, और संस्थान का भी नाम ऊंचा करते हैं जी। ये थे गीता मैडम जी। और अब चलो आप ट्रेनिंग का कुछ हिस्सा अगले दृश्य में देखेंगे, किस प्रकार से इनकी ट्रेनिंग गीता मैडम जी इनकी क्लास ले रहे हैं। आइए उस क्लास में चलते हैं। इसमें प्रोटीन, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट की कम मात्रा होने के कारण यह हृदय रोगियों के लिए और मधुमेह के रोगी होते हैं और जो हमारे कैंसर के मरीज हैं उनके लिए फायदेमंद होती है। उसके बाद इसका टेम्परेचर जिसमें आप लोगों को जिस तापमान पर ये रखना होता है जिस पर आप लोग इसकी खेती करते हो, अगर आप लोग टेम्परेचर में खेती करोगे तो आपकी फसल खराब हो जाती है। ये सभी को पता होता है कि इसको जब हम लोग इसका बैग कपड़े मतलब कंपोस्ट कपड़े घर पे रखते हैं, इसके बैग हमारे पास आते हैं तो उसका टेम्परेचर हमारा 20 से 25 डिग्री के सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए और उसका उत्पादन के टाइम इसका 14 से 18। मैम नमी कितनी होनी चाहिए? नमी की मात्रा आप लोग इसमें 80 से 90% के बीच में रखते हैं। उसके बाद इसका होता है कि इसमें कैसी कितने दिनों के बाद बिछाड़ी होती है आप लोगों को। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही सभी युवक और युवतियां महिलाएं इस वक्त आप पहुंचे हैं आदेश जी के उस स्थान पर जहां पर आदेश जी द्वारा मशरूम तैयार की जाती है। अभी आदेश जी ने जो जानकारी दी थी, बताया गया था काफ़ी कुछ अच्छा कमाना भी शुरू कर दिया उन्होंने, तो चलिए चलते हैं। आदेश जी बताइए क्या किस प्रकार से प्रोजेक्ट आपका, बताओ। आओ सर, बांस बूस द्वारा करया जी। जी जी जी, बुनाए हमने। जी जी जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इस तरह चले जा मरे टूट जा मशरूम, इस दूरी पर रखे हैं बैग। जी 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 जी, ठीक है जी सर। तो आप देख सकते हैं बांसों से जगह बनाकर जो है उसके ऊपर ये थैले रखे हुए हैं। तो ये मशरूम कब लगाई थी आपने, जो थोड़ी थोड़ी हो रही है? ये दिसंबर में लगाई थी जी। दिसंबर में लगाई थी, दिसंबर में ट्रेनिंग हुई थी सर इनकी जी। तो फिर उसके बाद इन्होंने बैग लगाए हैं जी जी, साथ ही इन्होंने प्रोसेस अपना शुरू कर दिया और फाइल भी साथ बेचना भी शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये बैगों में मशरूम तैयार हो चुकी है, तैयार हो रही है बहुत नजदीक से। और पूरा कितना किसमें डालना चाहते हैं, क्या कुछ डाला जाता है, सब कुछ ट्रेनिंग उन्होंने यहाँ पर ली थी कपाल मोचन में। और देख सकते हैं पूरा कितना तापमान, वो पूरी ट्रेनिंग है। देखिए तापमान का एक मापक यंत्र भी लगाया हुआ है। ये क्या अलर्ट कर रहा है, ये चीज क्या है? ये जी अंदर का बैग का टेम्परेचर। अच्छा, बैग का टेम्परेचर मापने के लिए। तो कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए तापमान, जानकारी देंगे आदेश जी? जिस टाइम कंपोस्ट तैयार 20 से 25 चाहिए जी। अच्छा, 20 से 25। हाँ जी 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 जी। और इसमें अंदर पैक नहीं देखना पड़ा जी, कितना इसमें तापमान है, कितना ये अंदर के बैग का बता होगा, बाहर का ये बता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर तापमान ज्यादा हो तब भी नुकसान है, कम है तब भी नुकसान है। हाँ जी, टेम्परेचर सही रखना पड़ा। तो टेम्परेचर कैसे सही रखते हैं फिर? यो जी जैसे की अपना ये बल्ब वगैरह जी, या फिर या एलोजन लाइट है जी, यो जी गरम बनाने वास्ते जी। ठीक, समझ गया समझ गया, ठीक है बात। यहाँ पर हैलोजन लाइट लगाई हुई है तापमान बढ़ाने के लिए, स्प्रे के लिए पंप रखा हुआ है। तो देख सकते हैं आप बैग्स में लगी हुई है मशरूम, ट्रेनिंग लेने के बाद किस प्रकार से युवा अपने पैरों पर खड़े रहे हैं। तो एक उदाहरण ये भी, तो आप भी
पंजाब नेशनल की बैंक के इस संस्थान से जुड़े हैं और विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग समय समय पर, चाहे वो अचार पापड़ मसालों की ट्रेनिंग हो, चाहे सिलाई सेंटर या ब्यूटी पार्लर या फिर और भी बहुत से जो होगी तो वो चलते रहते हैं। तो आप जरूर हिस्सा बने, जरूर संपर्क करें। और नेक्स्ट ट्रेनिंग मोनिका जी कहाँ पर होने वाली है नेक्स्ट ट्रेनिंग? सर नेक्स्ट ट्रेनिंग हमारे पंजाब नेशनल बैंक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यमुनानगर में होगी। किस चीज की है वो? पार्लर और कंप्यूटर अकाउंटिंग की। जिसने जी अगर ट्रेनिंग लेनी है तो अभी फरवरी में जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट साथ ले आए। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है सर। कहाँ पर है ये सेंटर? ये सर ये हमारा पंजाब नेशनल बैंक का है, रादौर रोड पे कैंप में। हाँ जी ठीक है। तो वहाँ पर जाके संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं। अभी ट्रेनिंग हमारी मार्च के एंड में शुरू होगी, क्योंकि इस साल का सर जो हमारा टारगेट था वो पूरा हो चुका है जी। हाँ जी, तो देख सकते हैं आप, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और अब ये बाहर से जो पढ़े युवा हैं ये देखेंगे और फिर यहाँ से प्रेरणा लेकर जो है आगे बढ़कर अपने रोजगार पर भी ये खड़े होंगे। केंद्र में इस वक्त 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जा रहा है, ध्वज फहरा दिया गया है और सभी के हाथ में देख सकते हैं देश की आन बान शान, तिरंगा सभी के हाथ में है। भारत माता की जय। और जय घोष के साथ जय जवान, जय किसान, गणतंत्र दिवस को मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सभी को वंदे मातरम, वंदे भारत। अभी कविता छोटा सा देशभक्ति गाना आप लोगों के सामने पेश करेंगी। हाँ जी सर, कविता। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। अपने चमन को स्वर्ग हम बनाए, कोना कोना अपने इस देश का सजाए। जश्न होगा जिंदगी में, होंगे सब मगन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। जय हिंद जय हिंद।